सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया का खास प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड के इस प्रोग्राम में हम हर बार आप सभी के लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी खबरें जो कि सोशल मीडिया पर कोई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है, फिल्म रिलीज होता है या फिर गाने, वो गाना फिल्म ट्रेलर का जानकारी तो हम आपको देते ही हैं, साथ ही हम आपको स्टार कास्ट से जुड़ी जानकारी प्लस हम उन डिमांड के भी बारे में बात करते हैं, उन पब्लिक डिमांड के बारे में भी बात करते हैं जो कि उस फिल्म के ट्रेलर या फिर फिल्म को देखने के बाद दर्शकों की तरफ से पता चलता है या दर्शकों का क्या राय रहा उस फिल्म को लेकर, ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ आज के दो फिल्म का ट्रेलर। जी हाँ, दो फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है आज के समय में। सबसे पहले फिल्म का नाम है घात। जी हाँ, घात फिल्म बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है। घात, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक एक्शन से भरपूर फिल्म है। जी हाँ, इस फिल्म में नए नए एक्टर, नए नए फिल्म डायरेक्टर, नए नए फिल्म के हीरो हीरोइन ने काम किया है। तो अगर जो सबसे पहले इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो आपको घात फिल्म में ये फिल्म एक्शन ड्रामा रोमांस से भरपूर है और ये डायरेक्ट किया है आनंद। जी हाँ, आनंद डी गीतराज ने इसे डायरेक्ट किया है एंड प्रोड्यूस किया है दिनेश कुशवाहा ने। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिनेश कुशवाहा और सत्येंद्र सिंह, प्रिया कपूर, रजनी मेहता, अरुण सिंह, विकास सिंह एंड प्लेड लीडर रोल इन द फिल्म। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म में मेन रोल निभाया है बतौर एक्टर, बतौर एक्ट्रेस। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज कर दिया गया है, इसी के साथ साथ इस फिल्म में दर्शकों इस फिल्म में ट्रेलर रिलीज करने के साथ साथ वहाँ पर इस फिल्म के बहुत ही अच्छे हीरो का जन्मदिन भी काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ इस फिल्म में बहुत सीमा सिंह का एक स्पेशल आइटम सॉन्ग भी शूट किया गया है। जी हाँ, इस फिल्म में सीमा सिंह ने आइटम सॉन्ग शूट किया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म का अगर ट्रेलर की बात करें तो इस फिल्म के ट्रेलर को अभी तक दर्शकों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस ट्रेलर को दर्शकों ने पसंद किया है। अब बात करें इस ट्रेलर के, अगर जो हम बात करें इस ट्रेलर में अपने स्टार्स अपने दर्शकों को दर्शकों की तरफ से डिमांड की, तो बता दें सबसे पहले हमारे पास मैसेज किया है सलमान ने, जिन्होंने लिखा है सुपर हिट मूवी। जी हाँ, वहीं पर सुरेश वर्मा ने लिखा है क्या बात है, सुपर बहुत बढ़िया। दिया शरान ने लिखा है ट्रेलर इतना हिट है तो मूवी भी सुपर हिट ही होगी, यानी कि इन्हें ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वहीं पर रजनीत सिंह ने लिखा है ट्रेलर इतना हिट है तो फिल्म कितनी, इनका भी यही मानना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला जो मैसेज है हमारे पास, उन्होंने लिखा है मंटू कुमार ने, जिन्होंने लिखा है आई लव इट। और तमाम ऐसे मैसेजेस हैं जो कि इस ट्रेलर के द्वारा दर्शकों ने अपने स्टार अपनी इस फिल्म के कास्ट तक पहुंचाया है। तो वहीं अगर बात करें तो अगली फिल्म जो मैं बात करने वाली हूं, वो फिल्म का नाम है बहु हत्या। बहु हत्या नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये एक सोशल कह सकते हैं मैसेज की फिल्म है, एक सामाजिक मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है। एक ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जहाँ पर जो समाज में कुरीतियाँ चलती आई हैं, प्रथाएं चलती आई हैं, उस पर खासा ध्यान दिया गया है। बहु हत्या के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सभी को पता है कि इस नाम के जरिए आप सभी के मन में क्या बात सामने आ रही है। और बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सही सोच रहे हैं। आज उस भोजपुरी इंडस्ट्री में उसी मुद्दे के ऊपर एक बार फिर से फिल्म बनेगी, एक बार फिर से दर्शकों के सामने ऐसी कहानी दर्शाई जाएगी जो कि समाज की कुरीतियों को एक्साइट करते हुए आज के समय की बात करेगा, आज के जो दिन चल रहे हैं, आज का जो जमाना चल रहा है उसकी बात करेंगे। चलिए, फिल्म के अगर जो स्टार कास्ट की बात करूँ तो इस फिल्म में जितने भी हमारे स्टार कास्ट लिए गए हैं, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, वो काफ़ी अलग हैं, काफ़ी हटके हैं। जी हाँ, इस फिल्म के ट्रेलर में आपको बता दें, ओवरऑल फिल्म के ट्रेलर की अगर बात करें, फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो आपको ये मूवी का 2018 में, यानी कि अब ये रिलीज होगी, इस फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस तीनों दिखाया गया है। कॉमेडी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिसमें दिखाई जाती है। तो वहीं पर एक्टर इस फिल्म में है सावन गुप्ता और एक्ट्रेस है नेहा सिंह।
जी हाँ, नेहा सिंह और अदर अगर जो स्टार कास्ट की बात करें तो सावन गुप्ता, नेहा सिंह, इंदल नायरा सॉरी दीपक गुप्ता, लखन चौधरी, देवी संस्कृति चौहान, आदित्य मिश्रा, श्वेता शर्मा, सानिया, जीत कुमार और कुमार रंजन, ये ऐसे स्टार कास्ट है जो अदर में है। तो वहीं पर अगर जो आगे की बात करें, अगर जो इस फिल्म की टीम की बात करें, तो इस फिल्म में डायरेक्टर है सावन गुप्ता, जो कि इस फिल्म में बतौर हीरो भी काम कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर है जयश्री एंड कुमार राजन, जी हाँ, जो कि ये फिल्म में एक स्टार के तौर पे भी काम कर रहे हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। स्टोरी और डायलॉग लिखे हैं इन्होंने गुंजन आज़ाद ने, जी हाँ, गुंजन आज़ाद ने इस फिल्म के जो स्टोरी है वो लिखी है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर दिया है डी एन मिश्रा एंड वीरेंद्र पोल, जी हाँ, वीरेंद्र पोल ने लिखा है। लिरिक्स लिखा है अखिलेश पांडे एंड सुनील सिंह ने। सिंगर है आलोक कुमार, जुल्फी अली, प्रीति किरण और नीरज प्रिया, जी हाँ, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि इस फिल्म के बतौर सिंगर इस फिल्म में उन्होंने गाना गाया है। वहीं पर कोरियोग्राफर है इस फिल्म के रमेश गुप्ता। एक्टर है एक्शन है अमरदेव एंड सौरभ। तो वहीं पर म्यूजिक वेब म्यूजिक द्वारा इस बैनर पर इसे रिलीज किया जाएगा और अभी भी इस फिल्म के ट्रेलर को वेब म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज किया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर जो इस फिल्म के ट्रेलर की अगर बात करें तो ओवरऑल इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 105 लोगों ने इस पर कमेंट किया है और इस फिल्म के ट्रेलर को 15 मार्च को रिलीज किया गया था। हमारी इंडस्ट्री की एक थोड़ी नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि जो नए सुपरस्टार होते हैं, नए एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उन्हें बहुत कम आंका जाता है, चाहे उनकी फिल्में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और ये बात सच है कि जब भी कोई बड़े सुपरस्टार की कोई सी भी फिल्म आए, उसे हर कोई देखता है। चलिए अब कमेंट की तरफ देख लेते हैं। इस फिल्म को अब तक लगभग 75,000 सुपर लोगों ने इस ट्रेलर को देखा है। तो वहीं पर सबसे पहले मैसेज किया है डीजे हामिद राजा ने, जिन्होंने लिखा है सुपर मूवी आइडल निरल बारू। इन्होंने फिल्म के जो डायरेक्टर उनके बारे में भी बताया है। वहीं पर आगे लिखा, अगर बात करें तो मथु ऑफिशियल प्रशांत ने लिखा है मस्त मूवी का ट्रेलर है हम सिंगर राजा धर्मेंद्र। ये आई थिंक एक सिंगर के तौर पर इन्होंने इस बताया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अखिलेश ने लिखा है सुपर हिट मूवी, वेरी नाइस ट्रेलर, ये नरेंद्र ने लिखा है। तो वहीं पर राजुन जी ने लिखा है नाइस स्टोरी एंड गुड मूवी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कहानी को, इस फिल्म के ट्रेलर को कहीं भी तरीके से इसे नेगेटिव में नहीं लिया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शक इस फिल्म को, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को देखेंगे और आप लोगों को देखना चाहिए। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। अब देखते हैं कि कल हमने जिस मुद्दे पर बात की थी उसमें आप सभी के क्या क्या राय हैं। कल हमने आप सभी से बात किया था हमारे खेसारी लाल यादव की साल 2017 से लेकर साल 2018 तक चर्चाओं में आई रही भोजपुरी फिल्म दुल्हन गंगा पार। दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर रिलीज हुआ, सुपर डुपर हिट रहा। अब तक इस फिल्म के ट्रेलर का लगातार हर दिन नहीं, हर घंटे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज़ इस पे मिलते ही जा रहे हैं। और आखिरकार ये व्यूज़ कब तक रहेगा, कब तक चलता रहेगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन कल हमने जिस मुद्दे पर बात की थी उसमें आखिर दर्शकों का क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स आया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहला मैसेज है अजय यादव कुमार का, जिन्होंने लिखा है सुपर हिट भैया, ट्रेलर खेसारी लाल का सुपर हिट है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, क्योंकि सच में ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राकेश यादव ने लिखा है जियो से खेसारी भैया। तो वहीं पर महेंद्र कुमार ने लिखा है सुपर डुपर हिट फिल्म जियो खेसारी भैया भोजपुरी शेर। वहीं पर राजू राज ने लिखा है जिया हो खेसारी भैया, राजू जी छपरा से पवन से अच्छा ट्रेलर सुपर। मतलब इन्होंने पवन के फिल्म के ट्रेलर से इन्हें कंपैरिजन करवाया है। वहीं पर सुनील निगम ने लिखा है सुपर, सुनील निगम ने ही मस्त लिखा है। उत्तम ठाकुर ने लिखा है बहुत अच्छा, अरुण कुमार ने लिखा है सुपर डुपर सबसे ऊपर, लव यू खेसारी भैया। वहीं पर रविंद्र यादव ने लिखा है गुड। वहीं पर लव कुमार ने लिखा है घटिया सॉन्ग है ट्रेलर का, लग रहा था कि किसी ट्रेलर में अजीब तरीके का इन्होंने कुछ वर्ड लिखे हैं,
लेकिन बहुत ही इन्हें ये तो पता चल गया कि लव कुमार को इस फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो यहीं पर राजकुमार यादव ने लिखा है जियो खेसारी शेर। जी हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस प्रोग्राम पे इतने कमेंट एंड मैसेजेस किए। ऐसे ही कमेंट लाइक करते रहिए और प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।